नमस्कार, मैं शालू तोमर, आप देख रहे हैं UP24 न्यूज। फिरोजाबाद में किसानों की कर्ज माफी को लेकर हुए कार्यक्रम में राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी ने शिरकत की, वहीं मीडिया से कई मुद्दों पर बात की। कार्यक्रम में मंत्री जी के साथ साथ पुलिस प्रशासन और अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्र था उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के गठन के पूर्व, वो सत्ता का केंद्र पारिवारिक संघर्षों का अखाड़ा बना हुआ था। कोई किसी विभाग का अपने आप को मालिक मानता था, कोई किसी विभाग का अपने आप को मालिक मानता था, कोई किसी जिले का अपने आप को मालिक मानता था, तो किसी कोई किसी कमिश्नरी का अपने आप को मालिक मानता था, और पारिवारिक अंतर्द्वंद सत्ता का केंद्र बना हुआ था। जनता से नहीं मतलब था, किसानों से नहीं मतलब था, मजदूरों से नहीं मतलब था, उस अंतिम व्यक्ति जो अंत्योदय की परिधि में आता है उससे भी मतलब नहीं था। केवल आपसी संघर्ष, पारिवारिक संबंध, धनों का बंटवारा, जिलों का बंटवारा, विभागों का बंटवारा, ट्रांसफर पोस्टिंग में उद्योग का समागम, ये सब चीजों का कार्य बोलबाला चल रहा था। भाइयों बहनों, उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तय किया था हमने कि हम वादा नहीं करेंगे, घोषणा पत्र नहीं जारी करेंगे। चुनाव के पहले हमने तय किया था कि हम संकल्प लेंगे आपके साथ, हम आपके साथ संकल्प लेंगे, और संकल्प लिया, सबका साथ सबका विकास का नारा देके संकल्प लेंगे, और संकल्प लिया, और 2017 का संकल्प पत्र जारी करते हुए मैंने कहा कि इस पर चुनाव लड़ेंगे। आप पर प्रतीक रूप में हमसे दिलवाया गया 5000 लोगों को, यहाँ पर किसानों को ऋण मोचन का प्रमाण पत्र दिया गया है, और पूरे जिले में अभी मैंने जिलाधिकारी से पूछा था, जिलाधिकारी ने बताया कि 63,000 के करीब लोग हैं, 63,000 लोगों ने अपना एप्लीकेशन वगैरह दिया है, लेकिन जांच वगैरह के बाद 60,000 के आसपास लोगों ने दिया। मंत्री जी,